एक बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी जब्त की है। पुलिस ने 500 और 1000 के पुराने बंद हो चुके नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी केतन जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। केतन, और क्या जानकारी है, कौन है ये लोग? देखिए, सूरत का एक वाशिंगर के इलाका है और वहां पर एक गाड़ी में 3 शख्स सवार थे और नोट की अदला बदली कर रहे थे। मतलब पुराने नोट जो कि सरकार ने बंद कर दिए है, उसके बदले नए नोट लेने की बात थी। लेकिन अगर ये कर पाते, उससे पहले ही पुलिस के पास पहले से ही ये सारी जानकारी थी, तो उनको धर दबोच लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिरकार ये नोट किसके है, किसको देने थे और ये रैकेट कितना बड़ा है, इस पर आगे पुलिस है वो काम कर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है और कुल 3,37,00,000 की पुरानी नोट है वो पुलिस ने बरामद की है और अभी तफ्तीश जारी है। केतन, ये इससे पहले भी काफी बड़ी मात्रा में पुराने नोट बरामद हुए थे, जब्त हुए थे गुजरात में। लगातार कुछ कुछ समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रह रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि अगर पूरे देश की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गुजरात टॉप 3 स्टेट में आता है, जहां पर पुराने नोट समय समय पर पुलिस है वो पकड़ती है। इसके पीछे एक पूरा रैकेट भी है। अगर पुरानी नोट बंद कर दी गई है तो क्यों ये वापस इसको नए नोट में तब्दील करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उसको बाहरी देश में भेजकर भी यहाँ से पैसों का आदान प्रदान हो जाता है और ये नोट है उनके ज्यादा दाम आते हैं। कई सारी थियरी है, लेकिन ये बात सच है कि सूरत समेत पूरे गुजरात में ऐसी कई सारी वारदातें हुई है और सैकड़ों करोड़ के ऐसे पुराने नोट है वो बरामद पुलिस लगातार करती जा रही है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या थी और ये बार बार क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका केतन इस तमाम अपडेट के लिए। 3,37,00,000 रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं पुलिस ने, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तहकीकात और जांच जारी है, पूछताछ जारी है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मंशा क्या थी, किसे देना था, क्या करना था, तमाम बातें साफ होंगी।